न्यूज वर्ल्ड इंडिया देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। शुरुआत करेंगे खबरों की। कानपुर के थाना चकेरी क्षेत्र के देहली सुजानपुर का एक पूरा मामला, जहां दबंगों के हौसले इतने बुलंद हैं कि गाड़ी खड़ी करने को लेकर विवाद इतना बड़ा हो गया कि आधा दर्जन लोग घायल हो गए और एक युवक की मौत हो गई। वहीं चकेरी पुलिस ने अभी तक दबंगों पर कोई कार्रवाई नहीं की है। गौनर जिले में रफ्तार का कहर देखने को मिला। भाजपा प्रत्याशी करण भूषण के काफिले के फॉर्च्यूनर करनैलगंज हुजूरपुर रोड पर सुबह 9 बजे भीषण सड़क हादसा हो गया। इस भीषण सड़क हादसे में दो युवक रेहान शहजादे की दर्दनाक मौत हो गई। वहीं घटना की महिला घायल है, जिसका इलाज चल रहा है। बता दें कि रेहान और शहजादे बाइक से दवा लेकर करनैलगंज जा रहे थे। इसी समय तेज रफ्तार फॉर्च्यूनर गाड़ी ने टक्कर मार दी, जिससे भीषण सड़क हादसा हो गया। आज दिनांक 29/5/2024 को समय लगभग 9 बजे थाना करनैलगंज को सूचना मिली कि हुजूरपुर रोड क्रॉसिंग के पास एक फॉर्च्यूनर और मोटरसाइकिल में एक्सीडेंट हो गया। मोटरसाइकिल सवार रेहान और शहजाद नाम के दो व्यक्ति घायल हो गए। पुलिस मौके पर तत्काल पहुंच के दोनों को CHC करनैलगंज में एडमिट कराया गया, जहां पे दोनों की मृत्यु हो गई है। पंचायतनामा की कार्रवाई की जा चुकी है, पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया, उनको भेज दिया गया। महाराजगंज में भारी भीड़ को संबोधित करते हुए अमित शाह ने प्रधानमंत्री के 10 सालों की उपलब्धियों को गिनाया और राम मंदिर निर्माण को लेकर भी कहा। अमित शाह ने कहा कि इतना ही नहीं, सेना के साथ बिना छुट्टी लिए 300 दिन तक डटे रहने की बात भी बताई। भाजपा प्रत्याशी केंद्रीय राज्य वित्त मंत्री पंकज चौधरी को जिताने के लिए सभी से हाथ उठाया और राशन और पेंशन, किसान बीमा और हर घर जल जैसी सरकार की सभी महत्वाकांक्षी योजनाओं के संदर्भ में बताया, तो विपक्ष पर भी जमकर बरसे और राहुल गांधी अखिलेश यादव को आड़े हाथों लिया। अपने 20 मिनट के संबोधन में अमित शाह ने महाराजगंज के मतदाताओं में ऊर्जा भरकर महाराजगंज की जनता के दुखती रगों पर हाथ फेर दिया और अपने पक्ष में हुंकार भराकर लक्ष्यदार बातों से आम जनमानस का मन मोह लिया। एक और 12 लाख करोड़ के घपले, घोटाले, भ्रष्टाचार करने वाला एक घमंडिया गठबंधन राहुल गांधी अखिलेश यादव है, और दूसरी ओर 23 साल तक प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री रहने के बावजूद भी 25 पैसे का जिस पर आरोप नहीं है, ऐसे हमारे नरेंद्र मोदी है, नरेंद्र मोदी। वाराणसी लोकसभा से इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी अजय राय के समर्थन में सपा नेता लालू यादव के आवास पर बिहार के पूर्व सांसद राजेश रंजन पप्पू यादव ने व्यापारियों के साथ बैठक की, जिसमें पप्पू यादव ने कहा कि भाजपा सरकार में व्यापारियों की स्थिति बद से बदतर होती जा रही है। नए नए टैक्स के नाम व्यापारियों का शोषण हो रहा है। व्यापारी सरकार से तंग आ चुके हैं। मैं आप सभी व्यापारियों से अपील करने आया हूँ कि आप सभी इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी अजय राय का मदद करें। और बैठक में सपा नेता लालू यादव, सपा पार्षद भैयालाल यादव, गुलशन गुप्ता, फिरदौस संतोष, मोदनवाल, गोपाल यादव, अशोक यादव तमाम लोग मौजूद नजर आए। 70% घरों में ODF नहीं। उज्वला योजना की स्थिति आप देख, कौन 1400-1200 रुपये में गैस सिलेंडर लेगा भाई, आप हमें बता दें। अब कोई ऐसी स्कीम, या बनारस की बात आप हमको करिए, बनारस में 10 साल रहे ये, कोई एक नई स्कूल बताओ, कोई एक अस्पताल बताओ जहां आम आदमी और गरीबों का इलाज हो सकता हो। PM का क्या मतलब होता है? नई सुबह एक उम्मीद सामाजिक संस्था के द्वारा ककरमत्ता वार्ड के पंचायत भवन से महिलाओं ने 100% मतदान कराने के लिए मतदाता जागरूकता रैली का आयोजन किया। इस कार्यक्रम का संचालन संस्था अध्यक्ष ममता ने किया। रैली के दौरान ममता ने बताया कि हर भारतीय, हम भारत के वासी हैं और हमें शक्ति भारत के संविधान से मिलता है। इस संविधान को बनाए रखने में मतदान का बहुत बड़ा योगदान है। आज ककरमत्ता वार्ड में, जैसा कि सभी को पता है कि 1 जून को वाराणसी में मतदान होने वाला है, उसी के प्रति पूरे गली मोहल्ले में रैली निकाल करके लोगों को इसके प्रति अवेयर किया जा रहा है कि सभी लोग अपने घर से बाहर 1 जून को निकले, वो छुट्टी का दिन इसको ना मनाएं, क्योंकि छुट्टी सरकार ने अगर दी है तो वो मतदान करने के लिए दी है। और अधिकतर देखा जाए तो लोग मतदान के प्रति उदासीन होते हैं और अपने घर से बाहर निकल करके वोट डालने के लिए नहीं जाते हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए आज यहाँ पे हमारी जो आशा आंगनवाड़ियाँ हैं और ये क्षेत्रीय लोग हैं, इन महिलाओं के माध्यम से आज यहाँ पे रैली तथा शपथ ग्रहण समारोह है। 4 SC/ST संतों को महामंडलेश्वर नियुक्त करने के बाद राजेश शुक्ला ने और पुरुषोत्तम स्वामी ने गुजरात, महाराष्ट्र, पंजाब और अन्य राज्यों के विभिन्न शहरों में कई बैठकें और कार्यक्रम आयोजित किए। उन्होंने इस यात्रा को दिल्ली तक बढ़ाया। वर्तमान में वाराणसी शिव की नगरी में है, जहां के वे अपने अभियान का विस्तार कर और अधिक लोगों से जुड़कर समाज को एक समतामूलक समाज के रूप में एकजुट करने का प्रयास कर रहे हैं, जहां जाति के आधार पर कोई भेदभाव ना हो और सभी को शिक्षा का समान अधिकार मिले, महिलाओं को पूरी तरह से सशक्त बनाया जा सके। आर्थिक एम्पावरमेंट जब तक आप नहीं करेंगे, तब तक कुछ भी करेंगे उससे आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा।
और आपकी जिंदगी में, आपके समाज में सबसे बड़ी भूमिका पैदा होने से पहले का धर्म की और मंदिर की। तो हमने बहुत शोध करने के बाद ये पाया कि जो टेम्पल हैं, जो महामंडलेश्वर हैं, जो अखाड़ा परिषद है, शंकराचार्य जी ने बहुत बड़े कैनवास पे बहुत बड़े पर्पज से बनाया था। उसको सिर्फ हरिद्वार में रखने के लिए या इलाहाबाद में रखने के लिए नहीं बनाया था, बहुत बड़े परिवेश पे बनाया था। तो हम उन्हीं के पास गए, उनको समझाया, उन्होंने बहुत सहयोग दिया हमें, स्पेशली रविंद्रपुरी महाराज जी ने, हरिगिरी महाराज जी ने बहुत सहयोग किया। फिर हम साजापुर में धार्मिक स्थल पर बन रहे शमशान घाट के विरोध में ग्रामीणों ने किया धरना प्रदर्शन। 25 साल पुराना धार्मिक स्थल, आधा दर्जन बाबू भूख पर हड़ताल पर बैठ गए बाबा। गांव से 2 किलोमीटर दूर बनाया जा रहा है शमशान घाट। शिकायत के बाद नायब तहसीलदार लेखपाल मौके पर पहुंचे। आधा दर्जन से ज्यादा साधुओं ने अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल की धमकी दी है। थाना सेरामऊ दक्षिणी के चांदपुर गांव का ही पूरा मामला। तापमान बढ़ने के साथ ही वन क्षेत्रों में रहने वाले जंगली जानवरों और पशु पक्षियों का गर्मी से बुरा हाल हो गया है। जंगलों में बने तालाब सूखने के कगार पर है, लिहाजा पानी की तलाश में जंगली जानवर आबादी का रुख कर रहे हैं। जंगली जानवरों की प्यास बुझाने के लिए राज्यजी टाइगर प्रशासन ने मोतीचूर और कसरो रेंज में करीब 47 वाटर हॉल्स में पानी भरने का काम शुरू कर दिया है। इसके साथ ही 5 बड़े तालाबों में भी टैंक के माध्यम से पानी भरा जा रहा है। इन तालाबों में हाथी जैसे बड़े जानवर अपनी प्यास भी बुझा रहे हैं। राज्यजी टाइगर रिजर्व द्वारा निर्देश दिए गए हैं कि ऐसे क्षेत्रों को चिन्हित किया जाए, ऐसे वन क्षेत्रों को चिन्हित किया जाए जहाँ पर वन्य जीव आबादी क्षेत्रों में पानी के लिए प्रवेश करते हैं, उनको चिन्हित कर दिया गया है। सभी रेंजों में कुछ स्थानों पर कच्चे वाटर होल बनाए गए हैं जिसके लिए बाहर से पानी लाया जा रहा है। जो पुराने वाटर होल पक्के वाटर होल हैं उन पर पानी निरंतर पानी उनमें भी डाला जा रहा है ताकि वन्य जीवों को, पशु पक्षियों को पानी मिल सके। ऐसे क्षेत्र जहाँ पर हमारे खबर नाव से जहाँ सोशल मीडिया पर बुधवार को कार सवार युवकों ने खेत में काम कर रहे किसान को लाठी डंडों से पीटा। इस घटना के बाद पीड़ित परिवार एसपी ऑफिस में पहुंचकर एसपी से कार्रवाई की मांग कर रहा है। बेटे ने पुलिस पर गंभीर आरोप लगाते हुए परिवार को बचाने की गुहार लगाई है। सर, हम लोग खेत पे थे, अपने काम कर रहे थे, हम थे, हमारी बहनें थी, हमारी मम्मी थी, हम लोग वहाँ पे काम कर रहे थे। तभी कुछ लोग आए वहाँ पे जो कि जिनका नाम है सूरज सिंह और प्रवीण और नीरज, ये सब ठाकुर बिरादरी हैं। सर, ये लोग आए वहाँ पे हम लोगों को गाड़ी में उठा के डाल लिया। उसके बाद सर, इन लोगों ने जब हम लोगों को गाड़ी में उठा के डाल लिया तो हमारे पापा वहाँ पहुँचे तो हमारे पापा को बहुत मारा है। सर में चोट है, पैर में चोट है, बहुत जब तक मारे हैं। कैसे मारा है? सर, डंडे से मारा है। और वीडियो में जबकि आप लोग देख चुके हैं, वीडियो में बताया गया है कि गोली से मार दो, जबकि उन लोगों के पास अवैध असलाह थे। और सर जी, वहाँ उसके बाद हम लोग थाने गए, पापा को लेके अपने थाने गए। वहाँ पे पापा को लिटाए रहे हम लोग, लेकिन वहाँ पे कोई हमसे ये नहीं पूछने आया कि यहाँ पे तुम लोग क्यों आए हो। और उसके बाद हमने एप्लीकेशन दिया सर, एप्लीकेशन दिया तो एप्लीकेशन पढ़ के और उन्होंने फाड़ दी वहीं पे। किसने फाड़ दी? पुलिस वालों ने, उन्होंने सोहरामऊ थाना। स्मार्ट सिटी मुरादाबाद में अवैध अतिक्रमण को लेकर लगातार अभियान चलाया जा रहा है। 6 जून तक नगर निगम के द्वारा शहर में अवैध अतिक्रमण को लेकर अभियान चलाया जाएगा। मंगलवार को भी शहर के 10 सराय चौकी से लेकर कोहिनूर चौराहे तक अवैध अतिक्रमण के खिलाफ अभियान चलाया गया। इस दौरान निगम का बुलडोजर अवैध अतिक्रमण पर जमकर गर्जा, नाला नालियों के ऊपर किए गए अतिक्रमण को नगर निगम के बुलडोजर द्वारा ध्वस्त करने की कार्रवाई की गई, तो वहीं रसूखदारों पर मेहरबान भी हुआ। नगर निगम की टीम के द्वारा चलाए गए अवैध अतिक्रमण हटाओ अभियान से क्षेत्र के लोगों में हड़कंप भी मचा रहा। सराहा पुलिस चौकी से कोहिनूर तक चौराहे तक ये अभियान है। नाला जैसा आप देख रहे हैं कितना चौड़ा नाला है, सारा नाला पाटा हुआ है और कई मोहल्लों का पानी इससे निकलता है, सफाई नहीं हो पा रही, तो आज ये नाला जो है क्लियर करा। लोगों से बार बार रेगुलर ये अपील की जा रही है कि नालों के ऊपर जो स्थाई जो भी अतिक्रमण है उसको स्वतः हटा लें। जब आकर के नगर निगम की टीम हटाती है तो फिर वो दिक्कत भी होती है और फिर जो जुर्माने की कार्रवाई भी की जाएगी। मामला तहसील गरौट के अंतर्गत आने वाले ग्राम बरौना का है, जहाँ पर विनीता ने बताया कि गाँव के कुछ लोग उसके घर में घुसाए और बक्से का ताला तोड़कर चोरी करने लगे। विनीता छत पर सोई हुई थी, आठ की आवाज़ सुनकर जागे और नीचे देखा तो गांव के ही 3 लोग उसके घर में घुसे थे और उनके चुपके से अपने देवर को फोन लगाया, तो तुरंत देवर वहां पर आ गया। जब देवर ने विरोध किया तो लोगों ने देवर के साथ हाथापाई की मारपीट की। इस दौरान 3 लोगों का चेहरा सामने आ गया, इससे उन 3 लोगों को पहचान लिया। आपको बता दें कि थाना गरौट और क्षेत्राधिकारी को ज्ञापन दिया गया है। राहुल आशीष। अच्छा, तो आपने कैसे देखा कि ये लड़के चोरी कर रहे हैं? चोरी कर भी आज हम छत पर सो रहे थे। अच्छा, हाँ देवल हाँ देना। अच्छा, फिर क्या किया आपने? तो एयर एम्बुलेंस अभी आए थे नीचे। अच्छा, तो हम नीचे हमने फोन लगाया देवल का।
अच्छा देवर को फोन लगाया, फिर क्या हुआ? कह रहे थोड़ी देर में हम आ रहे हैं। अच्छा फिर अच्छा मारने के लिए जुड़ गए। और घर से क्या क्या लेके गए? ओबा में संविदा में काम देने के नाम पर रिश्वत की मांग, 25,000 रुपए की रिश्वत मांगते विद्युत विभाग के SDO का वीडियो वायरल हुआ है। आवेदनकर्ता युवक ने SDO से संविदा नौकरी के बदले रिश्वत मांगी। रिश्वत की मांग करते हुए SDO राजेंद्र सिंह का वीडियो सामने आया। पीड़ित आवेदनकर्ता ने अधिकारियों से शिकायत की है। जनपद के पनवाड़ी विद्युत उपखंड कार्यालय में तैनात है SDO राजेंद्र सिंह। फर्रुखाबाद के नवाबगंज में सड़क किनारे पड़ी मिली दवाइयों की जांच को CMO ने की छापेमारी। पूर्व विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद की पत्नी की जाकिर हुसैन ट्रस्ट में की छापेमारी। छापेमारी में जाकिर हुसैन ट्रस्ट हेल्थ सेंटर बिना पंजीकरण के चलता मिला। बड़ा झोला सामने आया है। जाकिर हुसैन ट्रस्ट हेल्थ सेंटर में अवैध तरीके से पैथोलॉजी यूनिट, डायलिसिस यूनिट, एक्सरे यूनिट, फार्मासिस्ट यूनिट चलती मिली। CMO को फार्मेसी यूनिट में अवैध तरीके से दवाओं का मिला भंडारण। CMO को मौके पर कंप्यूटर ऑपरेटर दुर्गन ट्रारी मिले, जिसके बाद CMO ने बताया कि नोटिस जारी कर ट्रस्ट को सील करने का काम किया गया है। हरदोई में गुटखा चोरी करने के शक में दो किशोरों के साथ इलाके के लोगों ने मानवता की सारी हदें पार कर दी। यहां सजा के तौर पर किशोर के बाल काटकर उन पर चौराहे पर बनाया गया, फिर उनके जूते की माला पहनाकर गांव भर में घुमाया गया। इस दौरान किशोरों को इलाके के लोग पीटते भी नजर आए। घटना का वीडियो किसी ने सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया, जिसके बाद पुलिस अब इस पूरे मामले में कार्रवाई में जुटी है। देखिए एक वायरल वीडियो हो रहा है, जिसमें दो बच्चे हैं जिनके आधे बाल छीनकर और गले में जूतों की माला बनाकर घुमाया गया था। यह वीडियो जानकारी की गई थी थाना बिलग्राम अंतर्गत बसार गांव का पाया गया, जिसमें अभिभावक हैं उनके दो, एक किशोर है उसके साथ एक साथी है, और उनके द्वारा बताया गया कि दोनों पढ़ते लिखते नहीं थे और गलत संगत में रहते थे, और इस कारण छुप धोकर उन्होंने अपने बालक और उस मित्र का आधा बाल काट दिए और गले में जूतों की माला लगाकर गाँव में टहलाया गया था। इसमें स्थानीय स्तर से सभी बिंदुओं पर गहन जांच की जा रही है। इसमें जो भी तथ्य आएंगे उस अनुसार कार्रवाई कराई जाएगी। गाजियाबाद क्राइम ब्रांच पुलिस और थाना मसूरी पुलिस की संयुक्त टीम ने रेस्क्यू ऑपरेशन के तहत विभिन्न राज्यों से लाए गए 57 बच्चों को छुड़वाया है। ADCP क्राइम गाजियाबाद सचिनानंद ने बताया कि राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग नई दिल्ली को यह शिकायत मिली थी कि गाजियाबाद में स्लॉटर हाउस चलाया जा रहा है, जिसमें बिहार पश्चिम बंगाल राज्य से लगभग 40 बच्चे स्लॉटर हाउस में अमानवीय स्थिति में कार्य करने के लिए मजबूर किया जा रहा है। मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए 29 मई को माननीय राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग नई दिल्ली, अपर पुलिस उपायुक्त, अपराध मुक्ति फाउंडेशन, ट्रम विभाग, उपजिलाधिकारी, सहायक पुलिस आयुक्त मसूरी, SDO थाना प्रभारी, चाइल्ड लाइन टीम की संयुक्त टीम द्वारा रेस्क्यू कॉपरेशन के अंतर्गत इंटरनेशनल एग्रो फूड्स डासना थाना मसूरी क्षेत्र गाजियाबाद में चलाया गया और प्रभावी कार्य करते हुए 31 नाबालिग लड़कियां, 26 नाबालिग लड़के, 57 नाबालिग बच्चों को सकुशल मुक्त कराया गया है। देखिए इसमें राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग नई दिल्ली को एक शिकायत प्राप्त हुई थी कि पश्चिम बंगाल बिहार से लाकर 40 बच्चों को जो है एक स्लॉटर हाउस में गाजियाबाद के उनसे अमानवीय तरीके से कार्य लिया जा रहा है। इस शिकायत की गंभीरता को लेते हुए कमिश्नर गाजियाबाद द्वारा जो है टीम का गठन किया गया और आज जो है 29 तारीख को जो है इंटरनेशनल एग्रो फूड्स जो डासना मसूरी थाना क्षेत्र में स्थित है आज रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। उस रेस्क्यू ऑपरेशन में राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की सदस्य भी थी। इसके अलावा क्राइम ब्रांच पुलिस गाजियाबाद ने गाजियाबाद, दिल्ली NCR, पश्चिम उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, बिहार, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश में जियो एयरटेल के मोबाइल टावरों से बैटरी, आरआई यूनिट, अन्य इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस चोरी करने वाले अंतर्राज्यीय ग्रुप के एक शातिर अपराधियों को गिरफ्तार किया, जिसके कब्जे से चोरी का करीब 12 लाख रुपए का माल बरामद हुआ है। पकड़े गए बदमाशों के 6 साथी पहले ही जेल जा चुके हैं। 7 साथी फरार चल रहे थे, जिनमें से अभियुक्त लोनी का रहने वाला है, जिसके ऊपर 50,000 रुपए का नाम घोषित था। इस बदमाश को गाजियाबाद के नंदग्राम इलाके से गिरफ्तार किया गया। बारहवीं पास जुबैर कबाड़ का काम कर रैकी कर घटना की अपने साथियों को अंजाम दिया करता था। इसके ऊपर 18 मुकदमे दर्ज हैं। ये क्राइम ब्रांच पुलिस कमिश्नर गाजियाबाद द्वारा पूर्व में 3 मई को जो है एक गैंग का पर्दाफाश किया गया था, जो मोबाइल टावरों से रेडियो रिसीवर यूनिट और अन्य उपकरण की चोरी किया करते थे। उस गैंग का पर्दाफाश करते हुए 13 अभियुक्त जो है उसमें प्रकाश में आए थे, जिसमें से अब तक 9 अभियुक्तों की गिरफ्तारी की जा चुकी है और 4 अभियुक्त अभी बचे हुए हैं, जिसपे 50,000 का ऑलरेडी इनाम है। उसी में से एक जुबैर जो है जो मोबाइल टावर से चोरी का काम करता था, उसकी गिरफ्तारी हुई है। 50,000 का इनामिया भी था, जिसपे 8 मई को इनाम जो है घोषित किया गया है। और ये वसीम जो पूर्व में पकड़ा गया है, उसका सगा साला है, ये पिछले 4-5 वर्षों से जो है इसमें मोबाइल टावर से चोरी का कार्य कर रहा था, और जावेद और वसीम को जो है ये मोबाइल टावर से जो रेडियो रिसीवर यूनिट चोरी करता था वो देता था। इसके पास से 2 रेडियो रिसीवर यूनिट बरामद हुए हैं, जिसके अनुमान की 12 लाख रुपए हैं। इसके आपराधिक रिकॉर्ड के बारे में अगर बात करें तो राजस्थान, दिल्ली, अलीगढ़, मुजफ्फरनगर, गाजियाबाद में कुल मिलाकर 18 अभियोग इसके।
शवों से पुरानी रंजिश के चलते दो पक्षों में हुआ खूनी संघर्ष। मारपीट में एक पक्ष के तीन लोग गंभीर रूप से घायल, घायलों को परिजनों ने अस्पताल में भर्ती कराया। आपको बता दें कि थाने में तहरीर दी है, पुलिस लगातार छानबीन में जुटी हुई है। गिलौला थाना क्षेत्र के तिलकपुर दर्जीपुर गांव का एक पूरा मामला। कासगंज में भीषण गर्मी से और चिलचिलाहट धूप से 47 डिग्री सेल्सियस के तापमान में कासगंज जिले के अंबापुर में विद्युत उपकेंद्र के ट्रांसफार्मर और मशीनों को हीट होने से बचाने के लिए कूलर पंखा चलाकर ठंडा किया जा रहा है। साथ ही बिजली घर का तापमान कम करने के लिए समरसेबल पंप से पानी भी चलाया जा रहा है। और एक कस्बा मुरादगंज में हमारे संवाददाता ने गर्मी को लेकर जनमानस के पास पहुंचकर उनकी पीड़ा समझने की कोशिश की। गर्मी लगातार 70 और 80 साल का रिकॉर्ड तोड़ती जा रही है। बड़े बड़े अधिकारियों से पूछा जा रहा है तो उनका यही सवाल होता है कि क्लाइमेट ज्यादा एक चलाना, पेट्रोल की गाड़ियां चलाना, पेड़ों की कटान करना, जंगल की कटाई करना इसके मुख्य कारण है जिसके कारण तापमान बढ़ता जा रहा है। हमारे संवाददाता आशु भदौरिया ने लगभग एक दर्जन लोगों से पूछा तो उन्होंने 70 साल का बुजुर्ग कहता है कि आज इतनी गर्मी का माहौल है। युवाओं ने बताया कि समस्या का बस एक ही समाधान है कि देश के प्रत्येक व्यक्ति को कम से कम एक पेड़ अवश्य लगाना चाहिए। सरकार तो वादा करती है हर साल 2 करोड़ पेड़ लगाने की बात करती है, मगर हकीकत में देखा जाए तो सरकार के दावे सारे खोखले नजर आते हैं। एक बार जनसभा को संबोधित करते हुए हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने कहा था कि हम मई और जून में उत्तर प्रदेश को शिमला बना देते हैं। इस भीषण गर्मी में उत्तर प्रदेश की जनता आज मुख्यमंत्री के चेहरे की तरफ देख रही है, उत्तर प्रदेश के चेहरे की तरफ, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की तरफ से अपनी निगाहों से देख रही है कि उत्तर प्रदेश मई और जून में शिमला कब बनेगा। आलम गर्मी का ये है कि अभी समय हो रहा है, समय 11 बजे और 11 बजे लगभग मेरे हिसाब से 42-43 का तापमान हो चुका है। गर्मी वो आलम है यहाँ पर कि यहाँ पर यहाँ के प्रशासन का साफ यहाँ पर संदेश दे दिया गया है, माननीय जिलाधिकारी द्वारा घोषणा कर दी गई है कि दिन के 10 बजे से लेकर शाम के 4 बजे कोई व्यक्ति बिना किसी कार्य के घर से नहीं निकलेगा। गर्मी का आलम यह है कि लोग कहते हैं कि आज से मैंने 40, 50, 60, 70 साल का रिकॉर्ड गर्मी ने तोड़ा है। इतनी गर्मी मैंने अपने जीवन में कभी गर्मी का एहसास नहीं किया है। मैं आज न्यूज़ पर इंडिया के द्वारा लोगों को अवगत कराना चाहता हूँ कि गर्मी घर से निकले, पानी की बोतल लेके निकले, पानी पिए, पानी के ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करें, खाने को कम ज़्यादा से ज़्यादा डिहाइड्रेशन बचाने के लिए पानी का उपयोग ज़्यादा करें, खीरा खाएं और जो चीज़ में लिक्विड ज़्यादा होता है उस चीज़ का यूज़ करें इस गर्मी से बचने के लिए। आइए हम कुछ पूछते हैं यहाँ के लोगों से कि गर्मी का प्रकोप क्या है और इस गर्मी के बचाव के लिए लोग क्या क्या उपाय कर रहे हैं। आइए हम जानते हैं दुकानदार भाइयों से, कुछ हमारे लोग खड़े हुए सामने, इनसे जानना चाहते हैं कि गर्मी का आलम क्या है और गर्मी का जो रिकॉर्ड है वो इतने साल का रिकॉर्ड तोड़ा है और अपने जीवन में क्या ऐसी गर्मी का कभी प्रकोप झेला है। आइए हम कुछ बात करते हैं, हमारे सामने कुछ खड़े हुए हैं। भैया क्या नाम है आपका? सुभाष जी। आपकी उम्र कितनी है? 55 साल के सुभाष जी हमारे सामने खड़े हुए हैं। सुभाष जी आप तो कभी इतनी गर्मी का प्रकोप नहीं देखी, तो आपको लगता है कि 55 साल का रिकॉर्ड तो टूटा है? बताइए सर, सुभाष जी हैं 55 साल के हमारे साथ में खड़े हुए हैं। 55 साल में बताते हैं मैंने जीवन में कभी इतनी गर्मी का मैंने प्रकोप नहीं झेला है। आप गर्मी से बचाव के लिए क्या करते हैं? घर से निकलते हैं तो आपको मतलब क्या लगता है कि गर्मी कैसे, मतलब गर्मी से बचा जाए? गर्मी से खीरा खाओ, चीजें खाओ, गर्मी को शांत तो मिले। अच्छा, तो गर्मी और लोगों का मतलब आपकी उम्र भी है तो आप वो बचाव क्या देंगे, गर्मी कैसे बचेंगे? आपका नाम क्या है? क्या उम्र है? 25 साल में कभी इतनी गर्मी का आपने प्रकोप झेला है? क्या लगता है आपको क्या सुविधा मिलना चाहिए? नहीं, गर्मी को सुरक्षा तो एक डायलॉग आया था जो इंसान कहता था बड़ी गर्मी है तेरे अंदर, तो सूरज वाला भी कहता है कि अभी तूने मेरी गर्मी देखी कहाँ है। तो लगता है वही सच्चाई हो रही है कि वो सूरज कह रहा है आज कि तुमने मेरी गर्मी देखी कहाँ है, लगता है वो हकीकत में अपनी गर्मी दिखा रहा है। तो गर्मी है तो ये प्राकृतिक है,
इससे तो बचाव किया जा सकता है, उसमें सरकार क्या कर सकती है? सुविधा दीजिए ना। नहीं, क्या सुविधा दे सरकार, क्या सुविधा दी? सुविधा जी देखिए कि सूरत को बंद कर दे, बंद कर दे, धूप धूप निकलना बंद हो जाए, तो क्या सुविधा 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 क्या दी? भगवान देता है ना, तो भगवान की लाभ। नहीं, भगवान से मांग रहे की सरकार से मांग रहे हैं? सरकार से मांग रही है। सरकार से तो क्या मांग रहे? सरकार से मांग रहे हैं ये ठीक है। आइए आइए, हमारे और कुछ लोग भी हैं, आइए इनसे भी पूछ लेते हैं। हमारे पुराने 56 साल की उम्र में आपने इतनी गर्मी का कभी प्रकोप झेला है? 55 साल में आपने इतनी गर्मी कभी नहीं? रिकॉर्ड तोड़ा है साहब, इस साल गर्मी ने रिकॉर्ड तोड़ दिया है। और वही फिल्म का एक डायलॉग फिर ध्यान आ जाता है कि जब सूरज कहता है हीरो से कि तूने मेरी गर्मी अभी देखी कहाँ है, लगता है वही अपनी गर्मी दिखा रहा है। सर आपका नाम क्या है? मोतीलाल यादव। आपकी उम्र कितनी है? 65 साल। 65 साल की उम्र में बताइए इतनी गर्मी, इतना उमस आपने कभी देखी है? नहीं, 65 साल का रिकॉर्ड टूट गया। 65 साल में आपने मतलब रिकॉर्ड टूट गया? सरकार तो कहती है 40 साल का रिकॉर्ड टूटा है, आप कह रहे 65 साल 70 साल में हमने ऐसी गर्मी नहीं देखी। अब जो आपने अपने कार्यकाल की बात है वो बता रहे हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, तो क्या गर्मी से बचने के लिए क्या क्या उपाय करते हैं आप घर से जब निकलते हैं? अरे दो दो तीन दिन बाद सुबह शाम तक 4 बार नहाना पड़ता है। और क्या करते हैं? और कोई उपाय नहीं है, ना उपाय, पेड़ भी के नीचे बैठ जाते हैं। अच्छा अच्छा, चलिए हमारे साथ कुछ मेडिकल के स्टोर के हैं, कुछ संचालक हैं, आइए उनसे बात कर लेते हैं। मेडिकल के कुछ संचालक है, कुछ हमारे दुकानदार भाइयों से भी पूछ लिया जाए गर्मी का क्या है, कैसे बच रहे, कैसे गर्मी में निकल रहे, क्या है। ये हमारे युवा हैं, हमारे साथ में खड़े हुए हैं युवा। नाम क्या है सर आपका? ललित यादव जी। आपने उम्र क्या होगी इस समय? 29। कितनी आपने गर्मी का कभी प्रकोप कभी झेला है आपने? गर्मी क्यों पड़ रही है? ये सब क्लाइमेट चेंज का असर है, पेड़ पौधे कट रहे हैं। आप युवा हैं, पढ़े लिखे हैं, इसके लिए आपको जागरूकता करनी होगी, सरकार को जागरूकता। सरकार तो हर साल 200 करोड़ पेड़ लगाती है, रक्षा करना भी तो उनका लगाने से ही पेड़ पड़ा। ऋषिकेश के श्यामपुर नटराज बाईपास मार्ग और प्रगति विहार में लगी स्ट्रीट लाइटों की गुणवत्ता पर कांग्रेस ने सवाल खड़े कर दिए। कांग्रेस ने नगर आयुक्त को ज्ञापन सौंपकर गुणवत्ता की जांच की मांग की है। बता दें कि नगर अध्यक्ष राकेश मिया के नेतृत्व में दर्जनों कांग्रेसी इकट्ठा होकर नगर निगम पहुंचे। उन्होंने नगर आयुक्त के नहीं मिलने पर कार्यालय में ज्ञापन सौंपा, जिसमें कांग्रेसियों ने आरोप लगाया कि श्यामपुर नटराज बाईपास मार्ग और प्रगति विहार में लगाए गए स्ट्रीट लाइटों में गुणवत्ता का ख्याल और मानकों का पालन नहीं किया गया, जिससे लोगों की जान को खतरा बना हुआ है। भूमिगत बिजली की केबल भी महज 4 इंच की जमीन में दब गई है। नगर निगम क्षेत्र में शहरी विकास विभाग के द्वारा, केंद्रीय शहरी विकास विभाग के द्वारा देहरादून ONGC के माध्यम से बाईपास रोड पर लाइटों का निर्माण किया गया, लाइटें लगाई गई, पोल लगाए गए। और 6 माह पूर्व भी नगर निगम ऋषिकेश ने काफ़ी सारे पोल उसमें लगाए थे, लाइटें भी लगाई थी, उसका बिजली का बिल नहीं भर पाए तो सारी बंद हो गई। आप सोचिए 6 माह बाद ही फिर करोड़ों रुपये का ये फिर दोबारे से फैंसी पोल लगाए गए, जो कि क्षेत्र के अंदर भी, नगर निगम के वार्डों के अंदर भी लगाए गए, बाईपास रोडों पर भी लगाए गए, लेकिन उनकी क्वालिटी इतनी घटिया है। देवरिया लोकसभा क्षेत्र के प्रत्याशी शशांक मणि त्रिपाठी के समर्थन में भारत सरकार के गृहमंत्री अमित शाह पहुंचे। इस दौरान उन्होंने जिला मुख्यालय स्थित चीनी मिल के ग्राउंड में एक भव्य चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए राहुल गांधी, अखिलेश यादव पर दबकर तंज कसा। कांग्रेस पार्टी सहित इंडिया गठबंधन पर हमला करते हुए कहा कि 6वें चरण के चुनाव के बाद राहुल बाबा 40 सीटें भी पार नहीं कर पा रहे, अखिलेश यादव 4 के अंदर ही रहने वाले हैं। उन्होंने कहा कि 4 जून की सुबह ये लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और कहेंगे कि ईवीएम खराब था, इसलिए हम लोग चुनाव हार गए। 1 बजे तक चित्र स्पष्ट हो जाएगा, 3 बजे राहुल बाबा प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे कि ईवीएम में खराबी थी इसलिए हम चुनाव हार गए। अरे राहुल बाबा, ये नाचना न आए आंगन टेढ़ा, ऐसी बात है भाई, ऐसी बात है। और 4 तारीख को ये ईवीएम पर ठीकरा फोड़ेंगे और 6 तारीख की इनकी टिकट बुक है, बैंकॉक थाईलैंड छुट्टी पर चले जाएंगे।
प्रकाशगंज में पिकअप वाहन और बाइक में हुई जोरदार भिड़ंत, बाइक सवार पिता की हुई दर्दनाक मौत, बेटा घायल, घायल हुए बेटे को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। सरसों बेचकर वापस अपने घर बाइक से लौट रहे थे दोनों पिता पुत्र। राहगीरों ने हादसे की सूचना पुलिस को दी, मौके पर पुलिस पहुंची, शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और परिजनों को भी सूचित कर दिया गया है। पटियाली कोतवाली क्षेत्र के नगला किशोरी गांव के पास यह हादसा हुआ। आगरा में मौसम ने ली करवट, झमाझम हुई बारिश, भीषण गर्मी से मिली राहत, तेज आंधी के साथ कुछ जगहों पर बारिश हुई है, तापमान में गिरावट आई है। समय के हिसाब से नशा अधिकतर लोगों का दोस्त बन गया है। कुछ लोग नशा करके अपनी थकान को मिटाते हैं तो कुछ लोग नशा करके अपने आप को बड़ा दिखाते हैं। ऐसा ही मामला कानपुर शहर के आवास विकास स्थित हर्षपुर केसा ऑफिस में रात को देखने को मिला, जहां क्षेत्र की जनता की नींद हराम करने के बाद केसा के कुछ कर्मचारी सरकारी कार्यालय में कमरे में दारू की पार्टी कर रहे हैं, जिनका वीडियो क्षेत्र के किसी व्यक्ति ने बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। जैसे ही वीडियो वायरल हुआ, केसा विभाग के उच्च अधिकारियों ने मामले को संज्ञान में लेते हुए तुरंत ही केसा कर्मचारियों को नौकरी से निष्कासित कर दिया और तगड़ा अल्टीमेटम भी दे दिया है। प्रबंध निदेशक की तरफ से संबंधित को आदेश दिए गए, जैसे ही वीडियो मिला प्रबंध निदेशक महोदय द्वारा तुरंत आदेश दिए गए, उस पर कार्रवाई करते हुए उनको कल ही निष्कासित कर दिया गया है। कार्यदायी संस्था को बोला गया है कि इनको किसी अन्य स्थान पर भी कैस्को के अंदर न नियुक्त करें। और इसी के साथ फिलहाल खबरों में इतना ही, आप बने रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ।